तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे मीन मीडियन मोड, जो कि मैंने आप लोगों के लिए पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंड होपफुली आपने उस वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ आप लोगों को बेसिक्स क्वेश्चन समझाए हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए इस वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे हम लोगों को मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना है। एंड इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहला है क्लास, प्लस हम इस तरीके से पढ़ लेंगे, 5 से 10 में है 2 बच्चे, 10 से 15 में है 12 बच्चे, 15 से 20 में है 2, 20 से 25 में है 4, 25 से 30 में है 3 और 30 से 35 तक में है 4, 30 टू 40 तक में है 3 बच्चे। तो यहाँ पे हम मीन कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। मीन का हम लोग को जब भी निकालना होगा तो इस तरीके से हमको बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। मीन मीडियन मोड बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत ही ध्यान से सुनोगे तो ठीक है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th में आपसे पूछा ही पूछा जाता है 5 से 6 नंबर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्लास जो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे आप देखोगे क्लास जो है वो हमको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। फ्रीक्वेंसी में हम ये नीचे वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्लास लिख देते हैं। तो यहाँ पे 0 से 10 तक में 6 बच्चे हैं, 10 से 20 में 8 हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम ये यहाँ पे इसको अब कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी आया है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा आ जाएगा सिग्मा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू टोटल हमारा अगर हम करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो सिंपली हम यहां पे वही नंबर लिखेंगे जो यहां पे दिया हुआ है। उसके बाद 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है। 14 + 10 कितना होता है, 24 होता है। 24 + 15 कितना होता है, 39 होता है। 39 + 5 कितना होता है, 44 होता है। 44 + 4 कितना होता है, 48 होता है। 48 + 2 कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत 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 आसान है, ठीक है। अगर आप लोगों को डाउट इसमें लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे, उसके बाद हमको यहाँ पे n बाय 2 हम लोगों को इसका फॉर्मूला लिखना होता है। तो हम लोग 50 जो हमारा आया है यहाँ पे उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25, ठीक है। अगर ये डिविजिबल होता है तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे l इज इक्वल्स टू 30। तो l हमारा क्या हुआ, l इज इक्वल्स टू हमारा आया 30, ठीक है। यानी कि हमारा जो बीच वाला जो नंबर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो भैया जो बीच वाला जो नंबर है वो आ जाएगा हमारा 30 to 40। तो हमारा यहाँ पे L हो गया 30। अब हम लोग यहाँ पे 15 हमारा आ गया, फ्रीक्वेंसी हमारा कितना हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमारा 15 हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी 15 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 हुआ है, हम लोग डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे 25 हो गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 अब नहीं रहा। अब हमारा H इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो 10 हो गया है। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, L प्लस एन बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई F इंटू H, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी तरीके से हमको यहाँ पे उतार देना है। L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30, 25 + 25 माइनस 25 यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे n बाई 2 बाई कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद H इज इक्वल्स टू जो है यहाँ पे हम लोग वो चीज़ लिख देंगे, ठीक है। 15 ये जो है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। बॉडमास रूल आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे बॉडमास रूल का ध्यान में रखते हुए हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 + 0 + 5 = 15। अब यहाँ पे 10 है तो 5 3 = 15, 5 2 = 10। तो अब हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30.67, यानी कि हमारा जो मीन है वो निकल करके आया कितना, 30.67। अब यहाँ पे हम लोग मोड को फाइंड आउट करेंगे। तो मोड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे L इज इक्वल्स टू 30, H इज इक्वल्स टू 10 है हमारा, F1 है हमारा 15 और F2 है हमारा 5 और F0 है हमारा 10। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे हम लोग 30 + 15 - 10 बाई 2 × 15 - 10 - 5 × 10 कर देंगे। फिर यहाँ पे 30 का 30 आ जाएगा प्लस यहाँ पे अब इज इक्वल्स टू हो जाएगा, और 15 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से जब 10 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया है। अब यहाँ पे 15 2 = कितना होता है, 15 2 = 30 होता है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो इक्वेशन है 10 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो 5 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 10 है बाबू यहाँ पे आ जाएगा हमारा,
ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 30 का 30 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 5 का 5 जो है यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा। 30 में से हम लोग करेंगे 30 - 10 - 5, तो हमारा 30 में से 15 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 30 - 15 और ये जो 10 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 30 का 30 हो जाएगा, फिर 5 को हम लोग, ये जो 5 है यहाँ पे हम लोग ले आएंगे, और ये जो है इसको यहाँ पे 15 होगा, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये नंबर 30 = 32.6। तो हमारा मोड कितना निकल आया, निकल के आया है हमारा 32.6। सो ये आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है तो आप लोगों को देखने का भी मन नहीं करता है, बोरिंग लगने लगता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।